नमस्ते, मैं कल्पना। रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी मसाला भिंडी बनाना। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने ये आधा किलो भिंडी ली है। हमने इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें कपड़े से अच्छे से साफ कर लें, इनमें पानी नहीं रहना चाहिए। इन्हें हमने कट कर लिया है। इन्हें इस तरीके से कट करना है, इसका ऊपरी हिस्सा है इसे पूरा नहीं काटना है, इसे थोड़ा सा ऐसे काटना है और नीचे से भी थोड़ा सा हिस्सा काट कर इसके बीच में चीरा लगा देंगे। इस तरीके से सारी भिंडी कट कर लेंगे। इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए 2 प्याज और 4 हरी मिर्च काट ली है, इसे जार में डाल देंगे। ये 3 टमाटर खटाई के लिए लिए हैं, इन्हें अच्छे से धोकर काट लेंगे। ये टमाटर जार में ही काट लेते हैं। लहसुन जार में ही पीस लेंगे। 2 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 तेज पत्ता खुशबू के लिए। अब इसे पीस कर पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पीस कर बाकी बचे टमाटर भी इसमें काट लेंगे। ये ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब गैस ऑन करेंगे। अब कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम ये एक एक जैसे भिंडी डाल देंगे। सबसे पहले तेल में भिंडी फ्राई करेंगे। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारी भिंडी पक ना जाए। इसे लगभग 5 मिनट लगेंगे। इसे चम्मच से 2-3 मिनट हिलाएंगे। गैस को मीडियम करके इसे प्लेट से कवर कर देंगे। अब देखिए ये भिंडी अच्छे से तेल में फ्राई हो चुकी है। अब गैस को ऑफ करके इसे प्याली में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले हमने तेल डाल लिया है, 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा। जीरा पकने के बाद इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे। आप इसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ में ले सकते हैं। अब हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था वो हम डालेंगे। हम गैस को कम रखेंगे और इसे डालते जाएंगे और प्लेट से कवर कर देंगे ताकि इसका जो तेल है वो उड़ेगा नहीं। अब जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से हिलाकर वो भी हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाकर पकने देंगे। इसे 5 मिनट लगेंगे पकने में। अब ये मसाला पक गया है, इसमें कच्चापन नहीं है और देखिए इसमें तेल भी ऊपर आ गया है। और ये भिंडी इसमें मिला लेंगे।
तो मसाला भिंडी तैयार है और अब इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है और हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब सब्जी को प्याली में निकाल कर बताते हैं। तो देखिए हमारी भिंडी कितनी मसालेदार बनी है। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय। देखिए ये हमारी मसाला भिंडी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये